माधुरी मालवीय, बैंड स्वागत स्कूल खंडवा की डांस टीचर। हमारे स्कूल प्रिंसिपल मैम हेमलता अग्रवाल ने जब मुझे कला उत्सव के बारे में बताया तो मैंने अपनी स्कूल की 9 छात्राओं का एक ग्रुप तैयार किया और उन्हें गणगौर नृत्य। गणगौर नृत्य हमारे मध्य प्रदेश के निमाड़ांचल का सबसे लोकप्रिय नृत्य है। इसमें धनिया राजा और रनुबाई की पूजा की जाती है। धनिया राजा के रूप में शिव जी और रनुबाई के रूप में पार्वती की पूजा की जाती है। यह त्यौहार चैत्र मास की 11 से प्रारंभ होता है जो 9 दिनों तक चलता है। इसमें धनिया राजा रनुबाई जी को लेने आते हैं और रनुबाई अपने मायके में 9 दिन पूरे बिताने के बाद फिर धनिया राजा के साथ वापस लौट जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति चौहान है। मैं कक्षा 12वीं बेस्ट पब्लिक स्कूल से हूँ। प्रिंसी मालविया कक्षा 12वीं, रिधि मात्रे कक्षा 9वीं, वैष्णवी कक्षा 9वीं, प्रमिला कक्षा 11वीं, दीपिका कक्षा 10वीं, श्रद्धा कक्षा 10वीं, वंदना कक्षा 10वीं, खुशी कक्षा 10वीं तिथि से प्रारंभ होती है और 9 दिनों तक यह त्यौहार मनाया जाता है। इसमें सिर पर रथ रखकर नृत्य किया जाता है। यह शिव और पार्वती की उपासना का त्यौहार है। जब महिलाएं सामूहिक रूप से इस व्रत को करती हैं तो ऐसा लगता है मानो ऋतुराज वसंत का आगमन हो रहा है। अमराई में कोयल की कूक, पलाश के फूलों की लाली और होली की उतरती खुमारी के साथ जब ये त्यौहार मनाया जाता है तो सारा गांव गीतों की गूंज से सराबोर हो जाता है। सुहागन महिलाएं इस पर्व को अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनाती हैं और कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत और उपासना करती हैं। जैसे गणगौर उत्सव में बच्चियां, महिलाएं देवी का पूजन भी करती हैं, उत्सव मनाती हैं। क्षेत्रीय भाषा में गीत भजन, मिलना जुलना, उल्लास, उत्सव, ताकि वर्ष भर हमारा शरीर स्वस्थ रहे। हमारा नृत्य गणगौर नृत्य पर आधारित है। यह त्यौहार निमाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है।
गणगौर नृत्य निमाड़ क्षेत्र का लोक नृत्य है। इसके द्वारा रघुबाई और धनिया राजा के द्वारा यह बनाया जाता है। हम हमारे नृत्य के द्वारा यह दर्शाना चाहते हैं कि इस नृत्य को केवल निमाड़ क्षेत्र में ही नहीं परंतु पूरे देश में इसे मनाया जाए और इसे आगे बढ़ाया जाए। धन्यवाद।